वरना तो क्या है, दुकानदार ने बता दिया, एजेंट ने बता दिया, आप वैसे ही कर दो। अब जैसे रंग हो रहा है, बिल्कुल फेयर कलर है, उसके ऊपर आप कैसे कलर, कैसा कलर लोगे? अगर डार्क कर देते हैं बिल्कुल ब्लैक, तो वो ऐसे लगता है बहुत गंदा सा लगता है, अटपटा सा लगता है, नकली लगा रखे हैं। क्योंकि स्किन के अंदर अब जैसे कपड़ा पहनते तो वो मैच करके ही पहनते ना। अब जैसे काले आदमी को बिल्कुल सफेद कुर्ता पजामा या सफेद सूट पहनाते तो वो कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा ना। लेकिन रंग काला जरूर है, लेकिन उसके ऊपर ग्रे कलर या ऐसा पहना देते तो उसका रंग थोड़ा सा क्या लाइट लगने लग देता है, सुंदर लगता है वो, लगता है ना। जैसे रंग काला है पर पीले कपड़े पहना दिए उसको तो क्या लगेगा? मैचिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। जैसे कलर है, अब जैसे आपका कलर है और इनका कलर है, इनका कलर है, और इनको देखो चारों तरह के अलग अलग कलर है। ये चार नंबर का कलर, आपका बाल है दो नंबर का कलर, इनका है तीन नंबर का कलर, इनका है पांच नंबर का कलर। अब क्यों है वो आपको नीचे चार्ट में बता दूंगा, दिखा दूंगा मैच करके। आपका है नेचुरल ब्लैक, इनका है ब्राउन, ये है डार्क ब्राउन, और ये है लाइट ब्राउन। ब्राउन ही है लेकिन लाइट ब्राउन, ब्लैक किसी के भी नहीं है, ब्लैक है ही नहीं। ब्लैक कलर होगा ऐसा जैसे इन डमियों का, बिल्कुल आराशा, जैसे ये देखो। अब ये कलर है, इसके अंदर आपको कैसी शेड आ रही है, तो ये इसके अंदर है हल्की सी नीली सी परत लग रही है ना, हल्की सी देखो लाइट के अंदर नीला सा नीला बना रहा है ना। जैसे भैंस खड़ी हो धूप के अंदर तो उसके ऊपर ऐसा लगता है ना, एक नीली सी परत है सुरमई कलर सा, वो फास्ट ब्लैक वो होता है, बिल्कुल ब्लैक जो धूप में अंदर हल्की सा एक नीला रंग आएगा। लेकिन जो डार्क ब्राउन कलर आएगा उसके अंदर एक नीली सी नहीं आएगी, वो लाल सी परत आएगी। कभी देख लेना आप, लाल सा हल्का सा रोशनी आएगी ना ऊपर, एक अलग सी लाइट आएगी लाल कलर की। सर ये नंबर दिखाए ये उल्टे नहीं हो सकते, सेम यही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्यों रहेंगे? इसकी वजह यही है कि अपना जो कलर है, धरती के जो कलर है, ईश्वर ने जो बनाए है वो कलर क्या बनाए हैं? नेचुरल कलर कौन से थे? लाल, नीला और हरा। और जैसे पीला कपड़ा है, जैसे कपड़ा धोया आपने, व्हाइट कपड़ा धोया, कितना मर्जी साफ करके दे लो उसके लिए पीलापन आएगा ही आएगा, जब तक नील नहीं डालोगे। और नील भी थोड़ी सी चुटकी डाल दी बिल्कुल चमकने लग जाता है। वही बात है, धूप का जो रंग है ना, धूप जब सुबह से चलती है तो वो रंग लाल होता है, लाल फिर संतरी फिर पीला, फिर करते करते दोपहर में बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। वो व्हाइट क्यों होता है? जो पीछे से आसमान का जो रंग नीला है वो उसको अंदर से निकलता है, चमक कैसा होता है, धूप के रंग चमकीली धूप है जैसे सिल्वर कलर की होता है ना। तो ये जो चीज है कलर, बेसिक कलर ये है। जैसे कलर करते हो आप कोई भी, चाहे आप मेहंदी ले आओ, चाहे कोई भी कलर ले आओ, कोई भी कलर ले आओ किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का कलर ले आओ या मेहंदी ले आओ या कुछ भी, जो बाल काले करता है, चाहे वो शैम्पू ही है, कहते ना शैम्पू आया बाल काले करने का, चाहे कुछ भी ले आओ, कुछ भी, उसके अंदर आपको एक केमिकल मिलेगा जो बाल काले करता है, उसका नाम है पी पी और डी। इसके बिना बाल काले नहीं हो सकते, इसी से ही आपको, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो डाई है, चाहे वो मेहंदी है, चाहे वो कलर है, इसके बिना नहीं बनेगा। इसका पूरा नाम है PPD, पैरा फिनाइलिन डाइमेंड। कैसे नहीं,
पी से तो पैराफिनाइल बन गया, पैरा पीएच डायमंड पी पी डी, ये फिनाइल है, पिनाइल है ये। पीएच से क्या बनता है? पै बनता है और एफ से पै बनता है, लेकिन इसके अंदर पीएच वाला फिनाइल बनेगा। फिलिप्स का नाम होगा ना, कोई बात नहीं, कटा लिख दिया क्या है। कर लिया, समझ में आ गया। जब इसके साथ डेवलपर मिलाते हैं, डेवलपर डेवलपर कितना परसेंट मिलाते हो आप? बराबर तो है, परसेंट कितना होता है उसका किसी ने नहीं बताया और ना ही समझ में आती। जैसे दो पाउच पड़ा, मिलाया और लगा दिया, या ट्यूब के अंदर बराबर मात्रा में मिलाया लगा दिया, है ना, यही होता है ना। इसके नंबर होते हैं, उसका परसेंटेज होता है। आम जो बेसिक कलर होगा लाइट ब्राउन तक, ब्राउन कलर तक, पांच नंबर तक, पांच नंबर तक के कलर के अंदर मिलाया जाएगा 6% डेवलपर, 6% या 20 नंबर। आपने देखा होगा उसके ऊपर 6% लिखा होता है, एक 20 नंबर और लिखा होता है। सर ये कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। ये एक बार समझ लो, फिर नीचे जाके सारी समझाऊंगा आपको। मतलब सर नाम क्या होते हैं, 5 नंबर है, 4 नंबर है, सब बताऊंगा। एक बार ये समझ लो, वो नंबर तो नहीं है, वही है, वही है नंबर। ये है जो व्हाइट व्हाइट से अलग आता है उसके ऊपर लिखा होगा ये 6% या 20 नंबर। 20 नंबर जो होगा वो होता है 6%, उसके बाद में आता है 9%, 30 नंबर, 12%, मतलब 40 नंबर। तो 9% आएगा 6 से लेके 8 तक, 6 नंबर से लेके 8 तक 9 नंबर, 9% 9% 30 नंबर, 6 से लेके 9 तक आएगा 9, 30। क्लोन और लाइट क्लोन करना है आपने तो 12% 40 नंबर, जिसमें आप क्लोनर में काम लेते हो। ऐसे परसेंट वगैरह डप्पन में होते हैं, ऐसे कैसे फिर सर ऐसे तो फिर 12% में भी 9 और 10 दोनों ही हो गए, 9 10 सिर्फ तो उसमें भी 9 में भी 9 उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, इसमें यही 9% में ये 8 तक, 8 तक। कितने से कितने तक सर, 6 कितने से कितने तक आएगा? 5 नंबर तक, 1 से 5 तक, हां 1 से 5 तक 6%। और आगे 6 से लेके 8 तक 9%, और ये 9 से लेके 10 तक। ये ज्यादातर काम आता है प्री लाइटिंग या ब्लोंडर के अंदर, ब्लोंडर में जाते हैं ना हाईलाइट करने के लिए, ये ज्यादातर उसमें काम आता है। अभी तो बता, करने तो लग जाओगे ना, जब डर
जब आपको तलवार चलानी सिखा दी, रिवॉल्वर चलाना सिखा दिया, फिर तो आप चला सकोगे ना, नहीं तो आप हाथ कांपते वैसे ही, है ना? समझ नहीं आ गई? अब इस डेवलपर है क्या चीज, डेवलपर है क्या चीज, डेवलपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोक्साइड का नाम है, डेवलपर हाइड्रोजन प्रोक्साइड का नाम पीपीडी पैराफ्लेमेट डायमंड जैसे ही डेवलपर के टच में आता है रंग काला हो जाता है। 6% हाइड्रोजन, 2% हाइड्रोजन और 12% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब इसमें 6% हाइड्रोजन है, बाकी पानी है। इसमें 9% हाइड्रोजन ऑक्साइड है, बाकी पानी है। इसमें 12% हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, बाकी पानी। समझ में आ गई? काम क्या करता है ये प्रोड्यूसर? इसके अंदर मिलेगा तो ब्लैकनेस दे देगा ये 6%। किसी भी कलर के अंदर मिलाएंगे तो ये चीज अपना कलर दे देगी। समझ में आ गई? ये वो है 1 से 5 नंबर तक के जो कलर आते हैं ना, 1 से 5 तक के जो कलर आते हैं उसके अंदर पीपीडी कितनी मात्रा में डाली हुई है, जितनी मात्रा में डाली होगी उसी उतना ही ब्लैक होगा, जितना कम डाला होगा उतना लाइट। एक से पांच तक। और कभी भी देख लेना उसके अंदर आपको जो पैकिंग लेके आते हो कलर की पैकिंग, अमोनिया फ्री लिखा होता है। अमोनिया क्या काम करता है? अमोनिया करता है रंग उड़ाने का काम, इसीलिए कंपनी आपको ये कहती है अमोनिया फ्री, क्योंकि वो रंग उड़ाता ही अपने कहते हैं नुकसान नहीं करेगा अमोनिया फ्री है तो, लेकिन उसके अंदर पीपीडी होता है, पीपीडी के बिना कलर खड़ा कर ही नहीं सकता। अमोनिया होता है कलर उड़ाने का काम करता है। 6 नंबर से लेके 10 तक उसके अंदर अमोनिया होता है, वरन उड़ा देता है, उसके अंदर पीपीडी नहीं होता, कलर उड़ा देता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। एक से पांच तक जितना ये पीपीडी कम होगा या ज्यादा होगा उतना लाइट, एक नंबर में सबसे ज्यादा, 2 नंबर पे थोड़ा कम, 3 नंबर पे फिर कम, 4 नंबर फिर कम, 5 नंबर में बिल्कुल कम, तभी वो कलर जल्दी उतर जाता है। जितना लाइट कलर करेंगे ना उतना कम उतरेगा। जैसे गुड़िया आती है गोदरेज वाली डाई आती है, उतरती नहीं है एक हफ्ते तक तो चमड़ी पर से नहीं उतरती वो, और जितना लाइट कलर करेंगे वो कहते हैं कि तो कलर चला ही नहीं, तो हफ्ते में निकल जाते हैं बाल, बाल भूरे से हो गए। वो उतना ही कम है, लेकिन वो उतना ही शरीर के ऊपर नुकसान भी कम करता है। जितना ज्यादा कम होएगा हाँ उतना ही नुकसान कम करेगा। कलर तो रंगने के लिए काम आएगा, लेकिन इसके अंदर ये कड़ापन जो देगा वो नुकसान करता ही करता है, लेकिन करना पड़ता है, करना तो पड़ेगा। समझ जाएगी।